इसमें कोई दो राय नहीं कि हार्डवेयर फोन की पावर को डिफाइन करता है, लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर या यूं कहें कि ओएस किसी भी फोन की कैपेबिलिटी को जज करने का सही तरीका है। नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेरा और आज मैं आपको एक ऐसे ही स्मार्ट ओएस के फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं। मेरे पास है ओप्पो F17 Pro और आज मैं किसी फोन का रिव्यू नहीं बल्कि ओप्पो फोन में उपलब्ध कलर ओएस 11 की जानकारी देने वाला हूं। यहां मैं आपको बताऊंगा कि हाउ दिस न्यू ओएस मेक्स लाइफ फ्लो स्मूथली। हाल ही में कंपनी ने ओप्पो F17 Pro में इस नए ओएस का अपडेट दिया है और ये इस ट्रेंडी फोन के एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाता है। सबसे खास बात कही जा सकती है कि ओप्पो वन ऑफ द फर्स्ट OEM है जो अपने कलर ओएस 11 के साथ अपने ग्लोबल यूजर्स के लिए एंड्रॉयड 11 का अपडेट लेकर आया है, जहां आपको स्टॉक एंड्रॉयड के साथ न्यू कस्टमाइज UI फीचर्स मिल जाते हैं। यहां आप अपनी जरूरत के हिसाब से हर एक चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के कलर ओएस 11 के यूनिक फीचर्स पर नजर डाल लेते हैं। यहां सबसे पहले मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करना चाहूंगा। आज स्मार्टफोन में ये फीचर काफी ट्रेंड में है, लेकिन कलर ओएस 11 में ये काफी एडवांस हो गया है। आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कस्टमाइज कर सकते हैं और उसे पर्सनल टच दे सकते हैं। इसमें टेम्पलेट लगाने से लेकर आर्टिस्टिक वॉलपेपर और पर्सनल टेक्स्ट डाल सकते हैं। इसमें आपको ढेर सारे लेआउट्स और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिलेंगे। एंड्रॉयड 9 के साथ ही डार्क मोड काफी चर्चा में आया था, वहीं एंड्रॉयड 10 के साथ ये एंड्रॉयड ओएस में शामिल हो गया। अब कलर ओएस 11 में ओप्पो ने इसे अलग लेवल पर पेश किया है। इस मोड में आपको अब 3 कंट्रास्ट लेवल मिलेंगे, जहां इसका ऑटो ब्राइटनेस फीचर्स आसपास की रोशनी के अनुसार ब्राइटनेस को एडजस्ट कर आपको बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। यूजर्स विल नाउ हैव 3 डिफरेंट वर्जन्स, एनहांस्ड, मीडियम एंड जेंटल डार्क मोड। वहीं अच्छी बात यह कही जा सकती है कि ये मोड थर्ड पार्टी ऐप में भी अप्लाई होता है, ऐसे में हर जगह आपको एक समान एक्सपीरियंस मिलेगा। इन सबके अलावा आई कम्फर्ट मोड भी नया है, जहां ये फीचर एक और सैचुरेशन बैलेंस रखता है, तो वहीं अल्ट्रा विजन इंजन स्मूथ वीडियो क्वालिटी प्रदान करता है। कुल मिलाकर आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाएगा। वहीं इसमें एज लाइटिंग फीचर एड ऑन ही कहा जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को एनहांस करता है। डिस्प्ले के बाद हम चलते हैं यूटिलिटी की ओर। कहते हैं ना कि इंटरनेट के आने की वजह से ये पूरा वर्ल्ड एक विलेज यानी एक गांव बन चुका है, जहां आप किसी से भी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी लैंग्वेज बहुत बड़ा हर्डल है, पर कलर ओएस 11 आपको इस हर्डल से मुक्त करता है। इसमें ट्रांसलेशन बेहद ही आसान हो जाता है। किसी से चैट या मैसेज पर बात करने के दौरान ट्रांसलेट फीचर का उपयोग कर सकते हैं, कॉल्ड 3-फिंगर ट्रांसलेट। इसके लिए बस डिस्प्ले पर 3 उंगलियों से प्रेस करना है। इसके साथ ही टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा और नीचे ट्रांसलेट का ऑप्शन आ जाएगा। ये काफी मजेदार है। वहीं ओप्पो फोन में 3-फिंगर स्वाइप से स्क्रीनशॉट तो आप पहले भी यूज कर चुके होंगे। यूजेबिलिटी को और आसान बनाता है इसका फ्लेक्स ड्रॉप फीचर। इसके माध्यम से कॉलिंग, मैसेजिंग, मेलिंग और गेमिंग जैसे कई काम एक साथ एक स्क्रीन पर कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग के साथ ये फोन डेफिनेटली आपकी लाइफ को एक स्मूथ फ्लो देता है, कीपिंग द एसेंस ऑफ मेक लाइफ फ्लो अलाइव। म्यूजिक लवर्स के लिए भी कलर ओएस 11 में बड़ा ही खास फीचर है। ये आपको कस्टमाइजेबल रिंगटोन का ऑप्शन देता है, जिससे कि आपका फोन मिनी म्यूजिक स्टूडियो बन जाता है। इसमें ढेर सारे म्यूजिक ट्रैक्स दिए गए हैं, जहां आप म्यूजिक कंसोल का उपयोग कर किसी भी म्यूजिक का टेम्पो और इंस्ट्रूमेंट चेंज कर उसे नया एहसास दे सकते हैं, बल्कि न्यू रिंगटोन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। वहीं अच्छी बात कही जा सकती है कि आप इसे एक्सपोर्ट कर MP3 रिंगटोन, बैकग्राउंड म्यूजिक या अपने वीलॉग्स के लिए उपयोग कर सकते हैं, मेकिंग यू द नेक्स्ट सोशल सुपरस्टार। यूटिलिटी की बात चली रही है तो यहाँ डेटा शेयरिंग का भी जिक्र करना जरूरी है। आज स्मार्टफोन में ढेर सारा डेटा होता है और हम अक्सर उन्हें अपने दोस्तों, फैमिली या किसी और के साथ शेयर करते हैं। नए कलर ओएस में डेटा शेयर के लिए इंटरनेट पर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि इमेजेस, वीडियोस और APK फाइल्स बिना इंटरनेट के शेयर कर पाएंगे। ये नियर बाय शेयर के माध्यम से आसपास उपलब्ध कंपैटिबल डिवाइस को डिटेक्ट कर डेटा शेयरिंग को फास्ट और आसान बना देता है। द न्यू कलर ओएस 11 इज नॉट ओनली ऑप्टिमाइज्ड फॉर डिस्प्ले, बट इट ऑल्सो एनहांसेस द परफॉर्मेंस ऑफ ओप्पो F17 Pro विथ UI फर्स्ट 2.0।
ये फीचर रैम को 45%, रिस्पॉन्स रेट को 32% और फ्रेम रेट को 17% तक एनहांस कर देता है। इनफैक्ट आपको बता दूं, कलर ओएस 11 ऑटोमेटिकली जंक फाइल्स को डिलीट कर देता है ताकि आपका फोन कभी लैग ना करे। इस ओएस की खास बात कही जा सकती है कि कंपनी ने इसे क्वांटम एनिमेशन इंजन 2.0, यूआई फर्स्ट 2.0 और एआई ऐप प्रीलोडिंग एल्गोरिथम से लैस किया है। जहां क्वांटम एनिमेशन इंजन 2.0 स्क्रोलिंग को फास्ट और स्मूथ बनाता है, तो वहीं यूआई फर्स्ट 2.0 ऐप लॉन्च को तेज कर देता है। ये फीचर डिवाइस को और रिस्पॉन्सिव बना देता है, जिससे कि आप एक समय में एक ही स्क्रीन पर ढेर सारे ऐप का यूज कर सकें। इस तरह ऐप प्रीलोडिंग यूजर बिहेवियर को ट्रैक कर आपके लिए ऐप्स लोडिंग को फास्ट कर देता है। ऐसे में लोडिंग टाइम लगभग 23.63% तक कम हो जाता है। इन सब के बाद कहा जा सकता है कि ये तीनों फीचर्स मिलकर स्क्रोलिंग को फास्ट करते हैं, ऐप स्विच आसान बनाते हैं और लोडिंग टाइम को कम कर ऑल ओवर यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करते हैं। स्मार्टफोन में आपने अब तक पावर सेविंग मोड देखा होगा, लेकिन इस ओएस में सुपर पावर सेविंग मोड है जो 5% बैटरी में भी 90 मिनट तक चैट का भरोसा देता है। ये मोड सीपीयू फ्रीक्वेंसी को स्केल कर और ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लंबा बैटरी बैकअप देता है। इस मोड को ऑन करने के बाद आप 6 फेवरेट ऐप का चुनाव कर सकते हैं जिन्हें आप रेगुलर यूज करते हैं। इसके साथ ही कंपनी ने ओवर चार्जिंग का भी ध्यान रखा है। ये ओएस आपके डेली चार्जिंग रूटीन को ध्यान में रखकर चार्जिंग स्पीड को कंट्रोल करता है, जिससे कि फोन को चार्ज में लगाकर आप सोएं तो सेफ भी रहें और सुबह उठने पर डिवाइस फुल चार्ज भी हो जाए। इतना कुछ देखने के बाद बात आती है सिक्योरिटी की, तो वहां भी कलर ओएस 11 में काफी काम किया गया है। सबसे पहले तो स्कोप्ड स्टोरेज के साथ इसमें आपको प्राइवेट स्पेस मिलता है, जहां आप अपने पर्सनल डेटा एंड ऐप को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। ये पर्सनल स्पेस पासवर्ड या फिंगरप्रिंट से प्रोटेक्टेड होता है। इसके अलावा ये थर्ड पार्टी ऐप से भी आपके डेटा को प्रोटेक्ट रखता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्सएप या फेसबुक जैसी ऐप्स सिर्फ अपने ही डेटा या पब्लिक फोल्डर को एक्सेस कर पाएंगे। आपकी प्राइवेट गैलरी पूरी तरह से सिक्योर रहेगी। आपको बता दूं कि कलर ओएस 11 ना सिर्फ ISO 27001 और ISO 27701 सर्टिफाइड है, बल्कि इसे ट्रस्टेड प्राइवेसी और ट्रस्टेड आर्क जैसी थर्ड पार्टी डेटा सिक्योरिटी कंपनी से सर्टिफिकेशन प्राप्त है। अब आपका सवाल यही होगा कि कलर ओएस 11 कौन कौन से फोन में उपलब्ध है, तो आपको बता दूं कि हाल ही में कंपनी ने कलर ओएस 11 का बीटा वर्जन पेश किया है, जो कि एंड्रॉइड 11 बेस्ड है। ये अपग्रेड 30 सितंबर से ओप्पो फाइंड एक्स 2, फाइंड एक्स 2 प्रो और फाइंड एक्स 2 प्रो लैम्बोर्गिनी एडिशन में और ओप्पो F17 प्रो में उपलब्ध हो चुका है। वहीं जल्द ही रेनो 4 और रेनो 3 सहित 25 मॉडल पर उपलब्ध होने वाला है। फोन की लिस्ट आप यहां देख सकते हैं। फाइनली सब कुछ देखने के बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि ये नया ओएस काफी स्मार्ट है, सिक्योर है और पहले से ज्यादा एफिशिएंट भी हो गया है। As soon as you get this update on your favorite Oppo smartphone, you too will be able to make your life flow. But anyway, अब मैं अपने फोन के लिए कुछ यूनिक वॉलपेपर डिजाइन कर लेता हूँ। Until then, this is Keshav Khera, signing off.